हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जस्ट जयश्री पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंपल होममेड रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। दिवाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मीठे के बाद अब कुछ नमकीन बनाते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए लाजवाब सी दही की कढ़ी, जिसमें मैं आपको टिप दूंगी कि दही ना फटे उसके लिए क्या करना चाहिए। और कढ़ी में ना पकौड़ा डालेंगे ना ही बड़ी, पर ऐसी चीज़ जो आपने कभी सोचा नहीं होगा और कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए इस लाजवाब दही की कढ़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। अब एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और उसमें आधा कप बेसन डाल देंगे, और जितना बेसन डालेंगे उसका दुगना हम उसमें दही डाल देंगे। तो आधा कप बेसन में मैं एक कप दही डाल रही हूँ और उसे धीरे धीरे विस्कर से मिक्स करते जाएंगे। और दही अगर थोड़ी खट्टी हो तो कढ़ी का स्वाद और भी अच्छा लगता है। दही और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि उसमें गुठलियाँ ना रहें। और अब उसमें एक टीस्पून हल्दी डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब कुछ को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें 2 से 3 कप पानी डाल देंगे। कढ़ी में पानी जितना रहे उतना अच्छा होता है। मिक्सचर को एकदम पतला रखें कि हमारी कढ़ी जो है वो बहुत टेस्टी बनेगी। ये देखिए हमारा बैटर कितना पतला है, और इससे क्या होगा कि हमारी कढ़ी जो है वो अच्छे से कढ़ेगी और टेस्टी लगेगी। और इस मिक्सचर को अब थोड़ी देर के लिए हम लोग रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब कढ़ी के लिए एक बड़ा सा कढ़ाही चढ़ाते हैं। कढ़ाही के गर्म होते ही उसमें 2 से 3 टेबलस्पून सरसों तेल डाल देंगे। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घी या फिर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, पर कढ़ी का स्वाद जो है वो सरसों तेल या फिर घी में ज़्यादा अच्छा लगता है। तेल के गर्म होते ही उसमें 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून राई डाल देंगे, और 1/2 टीस्पून के करीब मेथी के दाने डाल देंगे और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अब इसमें 2 चॉप किए हुए मीडियम साइज के प्याज को डाल देंगे और इसे थोड़ी देर पका लेंगे। और अब इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ते के डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कड़ी पत्ता मैंने प्याज के बाद इसलिए डाला है ताकि हमारा कड़ी पत्ता जो है वो जले ना। अब इसमें 1 से 2 हरी मिर्च डाल देंगे। आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप हरी मिर्च डाल लें। प्याज को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब इसमें मसाले डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक, और मैं डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक। काला नमक डालने से कढ़ी में बहुत ही चटपटा सा स्वाद आता है। अब सारे मसालों और प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। मसालों को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारा मिक्सचर था दही और बेसन का, उसे इसमें डाल देते हैं। मैंने मिक्सचर में हल्दी पहले ही डाल दिया था, इसीलिए मैंने मसालों में हल्दी नहीं डाला है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आपको एक बोनस टिप दूंगी जिससे कि आपकी दही वाली कढ़ी बिल्कुल फटेगी नहीं। हमें उसके लिए ये करना है कि जब हम मिक्सचर को अपने कढ़ाही या किसी जो भी बर्तन में डालते हैं, तो जब आप मिक्सचर को अपने कढ़ाही में डाल देंगे तो उसके बाद उसे मीडियम से हाई फ्लेम पर लगातार चलाते रहें जब तक कि उसमें एक उबाल ना आ जाए।
एक उबाल आने के बाद फिर कोई टेंशन नहीं होती है हमारी दही, उसके बाद अगर आप लो फ्लेम भी करें या जैसे भी रखें वो फिर दही फटती नहीं है। कढ़ी को चलाते हुए कुछ देर हो गए हैं, अब देखिए इसमें एक उबाल भी आने लगा है और हमारी दही बिल्कुल बिल्कुल सही है और फटी बिल्कुल भी नहीं है। एक उबाल आने पर गैस का फ्लेम अब लो कर देंगे और अब इसमें एक टीस्पून के करीब जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने हरी मिर्च ऑलरेडी डाला है इसीलिए मैं नहीं डालूंगी लाल मिर्च। कढ़ी को अब थोड़ी देर हम लोग ढक के 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। हमारी कढ़ी अच्छे से कढ़ रही है और देखिए अब वो थोड़ा रिड्यूस भी हो गई है। अभी इसे लेकिन थोड़ा और हम लोग पकाएंगे। कढ़ी थोड़ी देर पकते हुए अब देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये रिड्यूस भी हो गई है। तो जो आज का ट्विस्ट है हमारा वो है बूंदी। अब हम लोग इसको डाल देंगे कढ़ी में और ये बूंदी कढ़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये बूंदी आपको कहीं भी लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, आप चाहें तो सॉल्टेड या फिर प्लेन बूंदी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब बूंदी यूज़ किया है और अब लास्ट में इसमें कटी हुई कुछ धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे और बस 1 से 2 मिनट इसे मिक्स करेंगे और फिर हमारी कढ़ी तैयार है। बूंदी कढ़ी में अच्छे से फूल जाती है और वो बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी हो जाती है। और अब है तड़का टाइम। तो एक तड़का पैन में 2 टेबलस्पून के करीब घी डाल देंगे, आप इसमें घी ही यूज करें बहुत टेस्टी लगेगी उससे। और उसमें 1 टीस्पून मेथी के दाने डाल देंगे और 1 टीस्पून हींग डाल देंगे और 2 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं, आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और उसे हम लोग अपने कढ़ी में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बिना तड़का के भी कढ़ी को खा सकते हैं पर ये तड़के के साथ और भी ज़बरदस्त लगती है। तड़का लगाने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए कढ़ी को ढक के रख दें, इससे फ्लेवर्स उसमें अच्छे से मिल जाएंगे। हमारी गर्मा गर्म लाजवाब बूंदी की कढ़ी बनकर तैयार है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें ना कोई झंझट है बड़ी बनाने का और ना ही पकौड़ी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसके पहले मैंने एक मिठाई की रेसिपी शेयर की है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगी, आप उसे भी ज़रूर ट्राई करें, वो भी बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। मैंने अपनी दिवाली सीरीज़ में एक मिठाई की रेसिपी भी शेयर की और एक नमकीन, क्योंकि मिठाई तो हर कोई शेयर करता है पर नमकीन भी ज़रूरी होता है। और आगे भाई दूज के अवसर पे भी मैं एक मिठाई की रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी बहुत ही आसान और लाजवाब मिठाई होने वाली है। तो मेरे चैनल को देखते रहें और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। Thank you.